चाहेंगे इस फिल्म में ऐसी खासियत क्या है, क्योंकि इस पोस्टर को देखकर काफी इंटरेस्टिंग हमें फील आ रहा है, एक कॉमेडी का फील आ रहा है, क्या खास है इस फिल्म के अंदर? हमने आपको वेंटिलेटर पहले दिया पिछले साल और वेंटिलेटर में रुलाया, इस बार हमने समझा कि चलो अब हंसाते हैं, हल्की फुल्की हंसी, हल्की फुल्की हंसी वाली फिल्म है और कम्प्लीटली मास एंटरटेनमेंट, कम्प्लीटली फैमिली एंटरटेनमेंट, जो वेंटिलेटर से हट के है पर बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छी फिल्म है, पर इट्स लाइक आप वेंटिलेटर से कंपेयर ही नहीं कर सकते उसको। इसके डायलॉग बड़े अच्छे हैं, जो पंस हैं इसके, इसके जो कॉमिक लाइंस हैं बहुत अच्छे हैं, इसका पूरा स्टोरी लाइन में कोई छलाव नहीं है, हालांकि इट इज़ अ कॉन स्टोरी बट इट्स डन सो इनोसेंटली कि अच्छा लगा मुझे। और यस, हम बड़ी देर से चाह रहे थे कि हम कॉमेडी जॉनर को भी ट्राई करें, क्योंकि यह सबसे मुश्किल जॉनर है, और हमारी मुश्किल सिर्फ कॉमेडी होने की वजह से नहीं, हमारे सारे स्टार कास्ट और डायरेक्टर भी रिलेटिवली न्यू हैं, उनके साथ कॉमेडी बनाने में एक अच्छी बात है कि बड़े फ्रेश लुक है, इनका परफॉर्मेंस भी बिल्कुल फ्रेश है, नॉट प्लान्ड या कंट्राइव्ड, स्टोरी भी आपको बिल्कुल एकदम नई बात तो नहीं मैं कहूँगी पर फ्रेशनेस है उसके अंदर। आपकी फिल्म वेंटिलेटर ने एक बेंचमार्क सेट किया था, नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी है, उनके साथ आप कोई उम्मीद रख रहे हैं? नहीं वेंटिलेटर बिल्कुल ही नीच फिल्म थी वो, इट हैज़ गिवन अस वैलिडिटी कि हमें नेशनल अवार्ड मिला, बल्कि सारी दुनिया में हमने वेंटिलेटर को शोकेस किया है, दिखाया है, आगे से बहुत सराहा गया है, वो लेवल तो एक हल्की फुल्की फिल्म ले ही नहीं सकती है, इट हैज़ टू बी वज़नदार फिल्म लाइक वेंटिलेटर, ये बिल्कुल हंसी खुशी मज़े वाली फिल्म है। नहीं, भ्रष्टाचार को लेकर नहीं है इसमें, जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट है दोनों, वो अपने दिमाग की चलाकी से या अपने जुबान के स्लिपरी जुबान से कैसे लोगों को छल के पैसा कमा रहे, तो 10 रुपया उसकी कमाई से शुरू होकर 10 लाख की कमाई हो जाती है, इट्स रियली डन वेल। अच्छा क्वेश्चन, अच्छी तरह से बना पाएंगे, कितना भरोसा था? वैसे राजेश मापुसकर का भी डेब्यू फिल्म था, हालांकि वो बड़े बड़े फिल्म को ऑलरेडी असिस्ट कर चुके थे, और गिरधरन स्वामी DOP रहे हैं, उनका ये पहला फिल्म था, पर उनकी जो पकड़ थी फिल्म की स्टोरी पे वो बढ़िया था। एंड हमारे यहाँ पर्पल पेबल पिक्चर्स में हम लोग चांस लेते हैं न्यू कमर्स के साथ में, कोई प्रेशर नहीं डालते उनके ऊपर, पर जैसे वो नरेशन सुनाए थोड़ा कॉन्फिडेंस उनके ऊपर रहा, पर पूरे शूटिंग के दौरान कुनिका सदानंद ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ थी एंड शी इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड लेडी, तो शी गाइडेड अस, शी हेल्प्ड गिरधर स्वामी जहाँ भी, तो एक टीम बड़ा सॉलिड बन गया हुआ था, इसलिए फिल्म बन भी गई अच्छे से। आने वाले दिनों में मतलब प्रमोशन की बात करें तो किस तरह से प्रमोशन करने वाले हैं इस पिक्चर का, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या नेशनल लेवल तक प्रमोशन होगा जिस तरह से सरवन का हुआ था, ग्रैंड ओपनिंग ट्रेलर लॉन्च किया गया था, तो इसका क्या सोचा है? नहीं, ये तो महाराष्ट्र सेंट्रिक फिल्म रहेगी, उसको हम लोग ऑल इंडिया तो नहीं देख रहे, महाराष्ट्र नियर अबाउट्स गुजरात इतना तक ही, और अच्छा वाइड स्प्रेड रिलीज करने की सोच रहे हैं, और प्रमोशन जो यूजुअल, क्योंकि ये यूथ एंजॉय करेंगे, हमारे आर्टिस्ट यंगस्टर्स हैं, बिल्कुल गुड लुकिंग यंग हीरो एंड गुड लुकिंग यंग हीरोइन है, तो वी विल गो टू कॉलेजेस, वी विल गो वेयर वी कैन इंटरेक्ट विद यंग पीपल मोर, एंड बस दैट्स इट, कोई ज़्यादा शोर शराबा इसमें नहीं कर रहे, वी आर गोइंग इन टू इट इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। जिस तरह से बॉलीवुड स्टार है, सेलिब्रिटीज हैं, जो अपना खुद का प्रोडक्शन मूवी लॉन्च कर रहे हैं, तो उनसे भी कभी पूछा जाता है कि आपके लिए ज़्यादा मुश्किल क्या रहा है एज अ प्रोड्यूसर और एज अ एक्टर, तो उनका हमेशा यही कहना है कि एज अ एक्टर सही है, प्रोड्यूसर नहीं सही, तो आपका क्या मानना है, एज अ प्रोड्यूसर ज़्यादा डिफिकल्टीज रहती हैं काम में या एक्टर के लिए सही है? अगर आप हमारी कहें, प्रियंका की कहें, तो प्रियंका आउटसाइडर रही है जी, विदाउट एनी गॉडफादर, विदाउट एनी हेल्प, तो उनके लिए तो एक्टिंग भी डिफ़िकल्ट रहा था, बड़े जहाँ पहुँची है बहुत मेहनत से पहुँची है, और वही लगन वही मेहनत वो प्रोडक्शन में भी डाल रही है एज ए प्रोड्यूसर,
तो मेरे ख्याल जो सक्सेस उसने एक्टर के हैसियत से देखा वही मैं चाहती हूँ या उम्मीद करती हूँ कि हमारी प्रोडक्शन हाउस को भी अचीव करेगी। अच्छा, प्रियंका जी का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है किसी फिल्म के सिलेक्शन को लेकर? बहुत ज़बरदस्त, सारा क्रिएटिव डिसीजंस उन्हीं का है, फिल्म को शॉर्टलिस्ट वही करती हैं, सिलेक्शन करती हैं, ग्रीन लाइट करती हैं, हर स्क्रिप्ट को पढ़ती हैं और प्रोडक्शन के दौरान भी उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। फर्स्ट कट, डायरेक्टर्स कट के ऊपर भी उनका, मैं कहूँ उनका शासन है पूरा क्रिएटिवली। अपने बिजी स्केड्यूल के बाद भी ये इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है कम्प्लीटली। आप हैरान रहेंगे कैसे हमारी टीम से यहाँ बात कर लें, उनके बगैर रोके का यहाँ तिनका भी नहीं हिलता। उनसे जब पूछा गया था तो उनका कहना है कि जब पैसे की कोई बात करता है मुझसे, तो मैं सीधा बोलती हूँ माँ से बात करो, उनसे बात करो। तो हम लोगों ने डिवाइड कर लिया अपना काम, बिजनेस मैं देखती हूँ और प्रोडक्शन क्रिएटिवली वो देखती हैं, पर डे टू डे वर्किंग भी मैं ही देखती हूँ। क्योंकि मैम प्रियंका जी की बात हो रही है, हाल ही में एक फिल्म आ रही है पार्टीशन 1947, जिनकी जो डायरेक्टर हैं गुरिंदर मैम, तो उनसे आपकी बात हुई थी, क्या हम देख आने वाले समय में ऐसा? अभी बात करके मैं मुड़ी भी नहीं हुआ आप लोग के ऊपर पहुँच भी गई बात नहीं। मैं उनको कैजुअली मिलने गई थी, मैं उनको कांस में मिली थी और वहाँ हमारी अच्छी मुलाकात रही, तो वो मुझे कही थी कि बॉम्बे आ रही हूँ तो आके ज़रूर मिलना, तो कैजुअली मिलने गई, पर कई तरह की बातें भी हुई, उनके भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे भी प्रोजेक्ट्स हैं, हम साथ मिल के करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, वी आर थिंकिंग अबाउट इट। और अगर मान लीजिए प्रियंका मैम अगर उनकी फिल्मों में काम करती हैं तो आप किस तरह से देखती हैं, वो सिनेरियो किस तरह होगा और फिल्म किस तरह चलेगी, कुछ काम बताना? कैसे मान लूँ, इतना हाइपोथेटिकल बात तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ, पर हाँ अगर उनका स्क्रिप्ट प्रियंका, देखो आप भी जानते हो प्रियंका कितने सालों से वो स्क्रिप्ट को ही लेके आगे बढ़ती है, स्क्रिप्ट अच्छा लगेगा तो उनके लिए ना कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई दायरे नहीं बना रखा है, लैंग्वेज क्या हो, कंट्री कहीं हो, स्क्रिप्ट अच्छा मिले तो ज़रूर करेगी। मैम जैसे कि आपने कहा कि प्रियंका मैम आउटसाइडर, बॉलीवुड में उनका कोई नहीं था, गॉडफादर, उन्होंने इतना बड़ा सफ़र किया है हॉलीवुड तक, तो आप चाहेंगे कि उनके ऊपर कोई फिल्म बने, बायोपिक बने जिससे लोग मोटिवेशन हो जाना? पता नहीं, फिल्म का तो नहीं मैं कह सकती हूँ, पर हाँ बुक तो ज़रूर लिखना चाहिए क्योंकि वो बहुत इंस्पिरेशनल हैं, उनकी बातें मैं समझती हूँ आज की यूथ को अगर समझ आए ये सुने तो उनका भला ही होगा। मान लीजिए अगर उन पर बायोपिक बनती है, बायोपिक बनती है तो फिल्म बनती है, तो आप आपकी तरफ से सहमति रहेगी फिल्म बनती है? अभी तो उसका लाइफ वन थर्ड ही हुआ होगा, क्या फिल्म बनेगी अभी, टाइम लगना। हाँ इट इज़ मोटिवेशनल, तो वो उनकी बातों में है, उनके फिल्म में उनकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग तो हुआ नहीं अभी तक, सबसे बोरिंग लाइफ है, कोई बनाने वाला भी खजवाएगा इसे कि मैं क्या बनाऊँ उसके लाइफ में, काम पे जाती है घर पे आती बस बायोपिक उनका बड़ी बोरिंग होगी। आपके प्रोडक्शन की बात करें तो सारी रीजनल फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, मराठी, भोजपुरी, अभी हाल ही में प्रियंका जी ने भी एक बॉलीवुड फिल्म साइन की है संजय लीला भंसाली के साथ एज अ को प्रोड्यूसर, तो क्या सपना है आपका प्रियंका का अपने प्रोडक्शन को लेकर, लाइक बॉलीवुड में भी एज अ को प्रोड्यूसर मूवी वो प्रोड्यूस कर रही हैं गुस्ताखियाँ, तो क्या सपना है अपने प्रोडक्शन को लेकर आपको? प्रियंका तो बड़े सपने ही देखती है, तो जहाँ तक हम लोग प्रोडक्शन हाउस जब बनाए थे तो हमारा विचार यही था कि हम रीजन्स को उतनी इम्पोर्टेंस दें जो वो डिज़र्व करते हैं, तो हम जो रीजनल फिल्म्स बना रहे हैं वो कहानी भी रीजन का है, वहाँ के आर्टिस्ट अपने रीजन के ही हैं, वहाँ की क्रू वहाँ का है, इससे है कि हम बजाय उनसे लेने के उनको दे रहे हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं कि आप दुनिया को हम उनको शोकेस कर सकें, कि वो अब उनके हुनर, उनके स्टोरीज़ प्रियंका के ज़रिए हम जितना दूर ले जा सकें हम ले जा सकते हैं, तो वी आर गिविंग बैक टू द रीजन्स। और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो कहाँ कहाँ हम महाराष्ट्र में हम ज़्यादातर देखेंगे, लेकिन कभी जैसे एक फिल्म आई थी एक मराठी फिल्म सहरा टाइप सी, तो उसने पैन इंडिया में काफ़ी कमाल मचाया था, तो ऐसा हम माने कि इस फिल्म को भी लेकर आपका कोई प्लान होगा? नहीं, इस फिल्म के साथ तो नहीं, वेंटिलेटर के साथ था ही, हमने पूरे इंडिया में भी दिखाया, अब तो वर्ल्ड में भी कितने कंट्रीज़ में हमने दिखा दिया उसको, तो कुछ फिल्म होते हैं जो जिनका किस्मत
वो जाता है, कुछ फिल्म होती है जो हमारे लिए बनी होती है जो हम यहीं पे एंजॉय करें, तो ये फिल्म को हम इतना बड़ा नहीं इमेजिन करें क्योंकि ये बड़ी हल्की फुल्की फिल्म है, लाइट हार्टेड फिल्म। सिनेमा घरों में हम कब तक देखेंगे इस फिल्म को? भगवान ने चाहा तो 14 जुलाई से कई दिन तक आप देखेंगे सिनेमा घरों में। और कौन कौन सी पिक्चरें आने वाली हैं आपके प्रोडक्शन से और कौन कौन से रीजनल्स? हम लोग ने एक भोजपुरी कंप्लीट कर लिया है, नाम है काशी अमरनाथ, उसमें रवि किशन जी और दिनेश लाल जी हैं। तो इट इज़ लाइक संघर्ष, पुराना टाइम का एक टकराव है ऑन प्रिंसिपल्स, ऑन एथिक्स, ऑन सोशल इश्यूज। अगेन इट्स बहुत अच्छी फिल्म है, वो कहने को भोजपुरी जैसी है ही नहीं, भोजपुरी से बहुत दिक से हट के है और वैल्यू एडिशन है वो हमारे ग्रुप में। फिर दूसरा हमने एक सिक्किमी फिल्म कंप्लीट किया है जिसका नाम पौना है और वो हम दशहरे में दुर्गा पूजा में रिलीज़ करेंगे। और कायरे रासकला तो भी रिलीज़ हो ही रहा है। हमारे बुक में अभी एक बंगाली स्टार्ट होने वाला है अगस्त में, एक मलयालम स्टार्ट होने वाला है, एक असामी। हाँ, मतलब बनते बनते जब तक ये प्लान्स में अभी हैं और फ्लोर पे जाते इस साल या अर्ली नेक्स्ट ईयर तक हमारे कई प्रोजेक्ट्स फ्लोर पे होंगे। एक तरह से देखा जाए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। हम आप जो है जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, जैसे कि आपने कहा सिक्किम और आसाम, वहाँ पे भी आप जा रही हैं, वहाँ के कल्चर जाहिर सी बात है फिल्म बनाएंगे तो वहाँ के कल्चर बिल्कुल 100% तो इसका ख्याल कब कब आया कि प्रियंका जब से मेरी कॉम की वहाँ मणिपुर विजिट की उसको रुझान भी वहाँ के लिए बहुत हो गया। अब वो असम की ब्रांड एम्बेसडर भी हो गई हैं तो उनका लगाव भी नॉर्थ ईस्ट से मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा है। और जब वो वहाँ थी तो वहाँ से कई स्टोरीज़ निकल के आए, कई लोग मिले उससे, देन वी डिसाइडेड कि ये जगह है जो बहुत लोग जानते नहीं हैं और पार्ट ऑफ इंडिया है ये भी नहीं जानते। तो हम अपना फ़र्ज़ समझते थे कि प्रियंका जब नॉर्थ ईस्ट को इतना ध्यान से देख ही रही है तो हम वहाँ की भी फिल्म बना के लेकर आए। खुद के प्रोडक्शन की मूड में थोड़ा सा ये एक्ट करें के अंदर? नहीं, मैं तो आपके कैमरे के सामने मुश्किल से बैठती हूँ ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा जद्दोजहद की बात है। प्रियंका जी कोई मूवी में देखेंगे, मतलब मराठी मूवी में? ऐसे जबरदस्ती की फिट नहीं होगी, जहाँ पे उनका परफॉर्मेंस के लिए कोई पोजीशन होगा तो जरूर करेगी। मराठी में उसने किया क्योंकि वहाँ रोल था एक्टर का। अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं व्यूअर्स को कहूँगी कि हमारा एक दूसरा ही रूप देखेंगे आप हमारी कंपनी का वेंटिलेटर के बाद, जहाँ हमने आपको इमोशनली बहुत ट्विस्ट कर दिया। अब आप कायरे रासकला देखेंगे, इसके नाम से ही आपको लगता है कि ये बहुत ही बिंदास मज़ेदार फिल्म होगी। आप ज़रूर जाएँ 14 जुलाई को थिएटर्स में और 14 जुलाई के बाद कई दिन तक जाएँ और हमारे फिल्म को बहुत इन्जॉय करें। थैंक यू।